जय हिंद साथियों, अभी आप देखेंगे लड़कियों का बेली जंप, सभी की सभी लड़कियां बेली मारेगी। और टीम द्वारा अभी क्या है कि टाइगर को थोड़ा अपवाद में रख के सिर्फ सीजर और बेली, सीजर सारी लड़कियां पास है, जो एक आध रैली नहीं आती है उनको छोड़कर अभी के अभी ये सारी लड़कियां बेली मारेगी। और इनको दम जीरो लेवल से सिखाया जा रहा है। जो भी लड़कियां टीम से जुड़ना चाहती है, हमें गर्व है कि बिहार ही नहीं पूरे भारत में एक ऐसी मात्र संस्था है जहां सबसे ज्यादा लड़कियां ट्रेनिंग करती है, वर्तमान में भी, बीते समय भी और भविष्य में भी करेगी, ये मेरे को पता है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ट्रस्ट किया। और ये संस्था लड़कियों के लिए अलग से ट्रेनिंग देती है, और दूसरी खास बात, लड़कियों के लिए अलग से गर्ल्स हॉस्टल भी है। और खास बात ये रहती है कि एक डिसिप्लिन जो होता है, एक अनुशासन, वो बहुत आगे ले जाता है इस संस्था को। और यहाँ पर आने के बाद अपने आप को घर जैसा माहौल मिलता है, तो अपने आप को सेफ फील करती है। और लड़कियों के लिए क्या चाहिए, तभी देखेंगे बेली जंप इन लोगों का, सारी लड़कियां बेली मारेगी। देखते रहिए, ताली बजाइए। क्या बात है, अब से ठीक है, बहुत बढ़िया। साथियों, अभी देख रहे थे क्या होता है ना, कि आप भी फांते होंगे तो बहुत, तो दो फीट का जो गधा रहता है, ये बहुत नीचे गधा है। अभी आप देख रहे होंगे इसकी हाइट बहुत कम है, तो जो लड़कियां हाथ डाले बिल्कुल फंसे, लेकिन जो लोग हवा में पैर को उठाते हैं, बॉडी को हवा में फ्लो करते हैं, उन्हीं का होगा। और फिर एक बार देखेंगे इन लोगों का, और इनके अंदर कुछ कमियां हैं उसको मैं दूर करने का भी कोशिश कर रहा हूं। आपके अंदर भी यही कमियां हो रही होगी यदि आपका भी अभी बेली फंस रहा है, या हाँ अभी अभी मैं ऊंचा वाला गद्दा लगा दूंगा तो दो फीट का वैसे ही होगा, हाथ रखेगी वो टाइट भी रहता है गद्दा, और ये बहुत स्पंजी है, इसमें हाथ डालिएगा धस जाएगी इसमें, तो वो बहुत हार्ड रहता है। तो आदमी क्या करता है ना, आधे लड़कियाँ क्या करती है, तीन फीट गधे पे हाथ रख के फांस जाती है, तो गधे पे हाथ नहीं रखिए, क्योंकि वहाँ पर गद्दा बहुत ही आपको स्पंजी मिलने वाला, हाथ डालिएगा अंदर चला जाएगा। तो अभी से प्रैक्टिस में जो आपकी कमी है उसको सुधार करें। रेडी, देखो जिसका नहीं होता है पहले देख लो, Thanks.